हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक्स पर लव। 80 के डिकेड की बात करें तो हीरो मैजेस्टिक, काइनेटिक टीएफआर या कहे काइनेटिक लूना, विक्टोरिया विकी और टीवीएस 50 एक्सएल मोपेड्स का बोलबाला था। 80s का टाइम ऐसा था जिस समय 50cc मोपेड्स का ट्रेंड बूम पर था। आज मैं इस वीडियो में आपसे बहुत ही रेयर टू स्ट्रोक 50cc मोपेड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हालांकि मोपेड का मतलब होता है ऐसी बाइक जो मोटर और पैडल दोनों से ऑपरेट होती थी। इस वीडियो में मैं जो आपको बाइक दिखाने जा रहा हूँ प्योरली मोपेड तो नहीं है, ये 49cc मोटर ड्रिवेन एक मिनी बाइक कही जा सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, मोपेड वर्ड मोटर और पैडल से डिराइव किया गया है। 1980 में टीवीएस ने एक्सएल 50 लॉन्च की थी जो कि बहुत पॉपुलर मोपेड थी। ये 1.68 bhp की पावर के साथ 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। इसके बाद ईयर 1987 में टीवीएस ने टीवीएस चैंप को लॉन्च किया था। ये मोपेड जो वीडियो में दिख रही है ये टीवीएस चैंप का स्पोर्ट एडिशन थी। टीवीएस ने टीवीएस स्पोर्ट मोपेड को ईयर 2000 में लॉन्च किया था। ये एक 49cc टू स्ट्रोक मिनी बाइक थी। ये 49cc टू स्ट्रोक मिनी बाइक ग्रीन, रेड और ग्रे कलर्स में अवेलेबल थी। इस टीवीएस स्पोर्ट में स्पोर्टी वाइजर दिया गया था जो कि उस समय का बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर था। इसमें इंटीग्रेटेड साइड टर्न इंडिकेटर्स और हेडलैम्प्स दी गई थी जो कि उस समय की कई मिनी बाइक से डिफरेंट था। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।